हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पिछले 6 महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स को। नवंबर 2018 से अभी मई 2019 तक जितने भी टॉप करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारा क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। 2019 में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो RRB NTPC हो, RRB JEE हो, रेलवे ग्रुप डी हो, SSC CGL MTS, सभी प्रकार के परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और फ्रेंड्स, सभी साथी प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और फ्रेंड्स, हम लोग बिल्कुल ही फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत 200 क्वेश्चन हैं और कम समय में आपको कराना भी है। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही के शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का सर्वाधिक तेज गति वाला प्राणी माना, पहला क्वेश्चन। और साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डेकुमा चिट्टी। याद रखना, हाल ही के शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने डेकुमा चिट्टी को पृथ्वी का सर्वाधिक तेज गति वाला प्राणी माना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 23वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को स्वर्ण चकोरम का पुरस्कार दिया गया। और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, द डार्क रूम को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और साथियों, ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजेंद्र पाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह पर 14 दिसंबर 2018 को चौथा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक चिकित्सा उपकरण फोरम आयोजित हुआ। और साथियों, ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है। साथियों, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है। याद रखना, अमिताभ घोष जी को, अमिताभ घोष जी को 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खबरों में रहा जेमिनिड्स क्या था। और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी गोलार्ध में उल्कावर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस उपग्रह में बेन्नु नामक क्षुद्रग्रह पर अपनी माफ करना क्षुद्रग्रह पर पानी के साक्ष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस उपग्रह में बेन्नु नामक क्षुद्रग्रह पर पानी के साक्ष प्राप्त हुए हैं। और साथियों, ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ओसिरिस रेक्स, है ना। याद रखना, किस क्षुद्रग्रह पर, किस उपग्रह पर बेन्नु नामक क्षुद्रग्रह पर पानी के साक्ष प्राप्त हुआ है, याद रखना, ओसिरिस रेक्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के 5 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखरों पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन है। साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणिमा सिन्हा। याद रखना, अरुणिमा सिन्हा जी दिव्यांग है और इन्होंने 5 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर विजय प्राप्त की है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मिथोई लेमा से सम्मानित किया गया। और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने लगातार 941 दिन तक ऑपरेशन में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, केगा परमाणु संयंत्र 941 दिन तक ऑपरेशन में रहा, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मिशन से जुड़ा एनश्योर पोर्टल शुभारंभ किया गया, बताइए, एनश्योर पोर्टल किस मिशन से जुड़ा हुआ है। और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। याद रखना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन से जुड़ा हुआ है ये एनश्योर पोर्टल, सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्विफ्ट इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है।
और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति भट्टाचार्य। स्वीप इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुंधति भट्टाचार्य को, सभी साथी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रेलवे में मुख्य टिकट निरीक्षक पद पर कार्यरत श्री श्याम सुंदर बेसरा को उनकी किस भाषा में लिखित मरोम उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाली। क्वेश्चन नंबर 14, दिसंबर 2018 में किस देश की फेडरल नेशनल काउंसिलिंग में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दोगुना बढ़ाकर 50% कर दिया गया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मिशन ने पहली बार मंगल ग्रह पर बहने वाली हवा की आवाज को रिकॉर्ड किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनसाइट। मंगल ग्रह पर बहने वाली हवा को रिकॉर्ड किया है किसने? इनसाइट ने, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना, इनसाइट मिशन ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा कटास राजधाम नामक शिव मंदिर किस देश में स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। हाल ही में खबरों में रहा कटास राजधाम नामक शिव मंदिर किस देश में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 17, एबियंद्रा 2018 किन दो देशों के बीच संयुक्त वायुसैनिक अभ्यास का नाम है? और साथियों उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं रूस की। क्वेश्चन नंबर 18, काउंसिल द चैलेंजेज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त निर्देशित अस्त्र फायरिंग अभ्यास क्रॉस बो 18 का आयोजन एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में हुआ, यह एयरफोर्स स्टेशन कहाँ स्थित है? साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। याद रखना, ये जो अभी हाल ही में संयुक्त निर्देशित अस्त्र फायरिंग अभ्यास क्रॉस बो 18 का आयोजन हुआ है, ये एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में हुआ है। ये एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल मणिपुर में किस नदी पर बनना आरंभ हुआ है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इजाई नदी पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 22, बानेसा पोनसीडे लियोन मिस यूनिवर्स 2018 चुनी गई वह किस देश की है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको की। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त युद्धाभ्यास हैंड इन हैंड 2018 किन दो देशों के बीच के युद्धाभ्यास का नाम है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एवं चीन का। क्वेश्चन नंबर 25, मेकेडातु में बांध को लेकर जिन दो राज्यों में विवाद है वो कौन कौन सा राज्य है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक व तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश ने वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से 20,000 वन गांव बनाने की घोषणा की है? साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। किस देश ने वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से 20,000 वन गांव बनाने की घोषणा की है? याद रखना, चीन ने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रेलवे ने सभी रेलगाड़ियों की तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों में कितने बर्थ महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 6।
क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस लिए आयोजित किया जाता है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल गैस त्रासदी। साथियों, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ना 2-3 दिसंबर 1984 को, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, याद रखना। उसी के उपरांत जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विश्व एड्स दिवस 2018 की थीम क्या थी? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नो योर स्टेटस। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, सभी साथी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2022 तक भारत में कितने विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 50। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2018 को किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कार्यक्रम के लिए कितना व्यय का अनुमान किया गया है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 33, एक जिला एक उत्पाद सम्मेलन दिसंबर 2018 में कहां आयोजित हुआ? और साथियों, ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। एक जिला एक उत्पाद सम्मेलन दिसंबर 2018 में कहां आयोजित हुआ है? वाराणसी में, याद रखना सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018 का तानसेन सम्मान प्रदान किया गया? बताइए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 का तानसेन सम्मान प्रदान किया गया? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मंजू मेहता जी को। याद रखना, वर्ष 2018 का तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? मंजू मेहता जी को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 35, किस जगह पर भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल सह शोध केंद्र का शुभारंभ हुआ है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, झज्जर हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 36, पूरे ग्लोब का साइकिल में सबसे तेज गति से चक्कर लगाने वाली एशियाई कौन है? साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांगी कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 37, पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? और साथियों, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपये। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का का स्मारक के रूप में जारी किया गया है, याद रखना सभी साथी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन 39, WB रमन को हाल ही में किसका कोच नियुक्त किया गया? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यों की पहली स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य घोषित किया गया है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 41, चेंजिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसके लेखनों एवं भाषणों का संग्रह है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? और साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। चलिए बता दीजिए, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है, सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए इसका क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 43, किस देश ने भारत के उच्चतम मूल्य 2,500 व 200 रुपये के करेंसी नोट को अवैध घोषित कर दिया? साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल ने। क्वेश्चन नंबर 44, श्री जोराम थंगा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। याद रखना, श्री जोराम थंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 45,
बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 किसने जीता है। और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु ने। क्वेश्चन नंबर 46, 10 जनवरी 2019 को वैश्विक कौशल सम्मेलन 2019 कहां आयोजन हुआ। और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। याद रखना 10 जनवरी 2019 को वैश्विक कौशल सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है, रांची में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, रांची झारखंड, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण 9 जनवरी 2019 को कहां आरंभ हुआ। और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ग्लेंडर्स रोग के लिए एलिजा किट जारी किया। ग्लेंडर्स निम्नलिखित में से किसका एक रोग है। और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा का। क्वेश्चन नंबर 49, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2019 में किस फिल्म को विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रोमा। क्वेश्चन नंबर 50, ऑस्ट्रेलिया में खेले गए भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018-19 में किसे मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतेश्वर पुजारा को। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किस राज्य की महिलाओं की कुल्लू नटी नृत्य प्रदर्शित करती तस्वीर प्रकाशित हुई थी। और साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस जगह पर 16 घास भूमि पाई जाती है, बताइए। हाल ही में किस जगह पर 16 घास भूमि पाई जाती है, बीबीआई क्वेश्चन है ये। क्या आंसर आएगा इसका साथियों, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2019 को किन तीन बैंकों को एक साथ विलय को मंजूरी दे दी। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को। क्वेश्चन नंबर 54, किस देश में डोगेन हंटर्स एवं फुलानी चरवाहों के बीच संघर्ष में 1 जनवरी 2019 को 37 लोग मारे गए। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, माली में। क्वेश्चन नंबर 55, किस देश में उस्सान नामक तूफान के कारण 30 दिसंबर 2018 को 68 लोगों की मौत हो गई। और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 56, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया पांच मिनट और विचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, खेलो इंडिया गेम्स में। क्वेश्चन नंबर 57, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने 20 जनवरी 2019 को किस राज्य में भारत का दूसरा औद्योगिक गलियारा का उद्घाटन किया। और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा तमिलनाडु, ये तो दूसरा था। और पहला साथियों, पहला कहाँ पे था, यूपी में, उत्तर प्रदेश में पहला गलियारा का उद्घाटन किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। यूपी में पहला और दूसरा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, खेलो इंडिया गेम्स 2019 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 59, ऑस्ट्रेलिया में खेली गई भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला 2019 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी जी को। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को इंटेलिजेंस पर कांग्रेस अमेरिकी संसद कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा कृष्णमूर्ति को। अगला क्वेश्चन 61, सभी महादेशों की 7 सर्वोच्च चोटियों एवं ज्वालामुखी चोटियों को फतह करने वाला विश्व का सबसे युवा व्यक्ति कौन है। और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यरूप सिद्धांत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है, सत्यरूप सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 62, चंद्रमा पर उगाए जाने वाला पहला पौधा कौन सा है। और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉटन। चंद्रमा पर उगाए जाने वाला पहला पौधा, याद रखना, कॉटन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 63, लीचिंग के खिलाफ विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डी गुकेश। याद रखना डी गुकेश भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है। अगला क्वेश्चन 65, टाइम्स की इमेजिंग देशों की उच्चतर शिक्षा रैंकिंग 2019 में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 49। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नू साहने को। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई शशकावा को। याद रखना गांधी शांति पुरस्कार के फलस्वरूप 1 करोड़ रुपये का राशि दिया जाता है। कितना का? 1 करोड़ रुपये का राशि, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 68, सांझी मुझमे कलाकार जो हाल ही में खबरों में रहा क्या है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत नाटक अकादमी का वेब अभियान। क्वेश्चन नंबर 69, पहला फिलिप कोटलर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री जयदीप गोविंद को। क्वेश्चन नंबर 71, भविष्य में चंद्रमा एवं मंगल ग्रह पर लोगों को ले जाने के लिए स्पेस एक्स कंपनी ने किस यान के निर्माण की घोषणा की है? साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टारशिप हॉपर। क्वेश्चन नंबर 72, किन दो क्रिकेटरों को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की ऑनररी सदस्यता प्रदान की गई? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली व रवि शास्त्री को। क्वेश्चन नंबर 73, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म किसकी पुस्तक पर आधारित है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय बारू की पुस्तक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 74, सुमन कुमारी किस देश में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम हिंदू महिला है? साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसे कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों याद रखना कार्नोट पुरस्कार से पीयूष गोयल जी को सम्मानित किया गया है, जो कि वर्तमान में रेल मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 78वीं। क्वेश्चन नंबर 77, किन दो देशों के केंद्रीय बैंकों ने अबेर नाम से साझा डिजिटल मुद्रा का शुभारंभ किया है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब एवं यूएई। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में निर्मित सर्वाधिक गति की ट्रेन 18 को क्या नाम दिया गया है? साथियों बताना है भारत में निर्मित सर्वाधिक गति की ट्रेन 18 को क्या नाम दिया गया है? याद रखना साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, गणतंत्र दिवस 2019 परेड में केंद्रीय मंत्रालय विभागों की श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को। क्वेश्चन नंबर 80, गणतंत्र दिवस परेड 2019 में राज्यों की श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा सरकार को। क्वेश्चन नंबर 81, किस क्षेत्र में छात्रों को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट रेडी व आर्या कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 82, भारत ने तंबाकू पत्ता निर्यात करने के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गन्ना के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान ने।
क्वेश्चन नंबर 84, डीएससी दक्षिण एशिया साहित्य पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है? साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जयंत केकिनी को। क्वेश्चन नंबर 85, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 पुरुष एकल का विजेता कौन है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में विमोचित एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? और साथियों ध्यान देना सभी साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नवीन चावला। श्री नवीन चावला है जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है, एवरी वोट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, सभी साथी याद रखना। अगला क्वेश्चन 87, गीता मेहता जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया, किस मुख्यमंत्री की बहन है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहन है गीता मेहता जी, जिन्होंने पद्म श्री पुरस्कार को स्वीकार करने से मना कर दिया है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 88, इंडोनेशिया मास्टर्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 की विजेता कौन है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय रेलवे ने किन व्यक्तित्व से जुड़े स्थलों के दर्शन के लिए समानता एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व महात्मा बुद्ध के धार्मिक स्थलों से जुड़े जगहों पर समानता एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है, याद रखना सभी साथी। अगला क्वेश्चन 90, आईआरसीटीसी के स्वच्छता सर्वेक्षण में गैर प्रीमियम ट्रेनों की श्रेणी में सर्वाधिक स्वच्छ रेलवे जोन घोषित किया गया है किसे? आईआरसीटीसी के स्वच्छता सर्वेक्षण में गैर प्रीमियम ट्रेनों की श्रेणी में सर्वाधिक स्वच्छ रेलवे जोन घोषित किया गया है किसे? साथियों याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण रेलवे को। क्वेश्चन नंबर 91, इस्माइल ओमर गुले जिन्हें पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया, किस देश के राष्ट्रपति हैं? और साथियों याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिबूती। क्वेश्चन नंबर 92, मैसेडोनिया देश का नाम बदलकर क्या हो गया है? साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। अगला क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लांस नायक नजीर अहमद बानी जी को। अगला क्वेश्चन 94, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की थीम क्या थी? और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी मतदान नहीं छूटे। और याद रखना राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस राज्य में स्वर्ण रेखा बंदरगाह के निर्माण की नींव रखी गई है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में किस राज्य में हेबियस लैक्रिमा नामक रोने वाली टिलबैक सांप प्रजाति की खोज की गई है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 97, चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बागवानी। क्वेश्चन नंबर 98, बड़े बांधों की संख्या के लिहाज में विश्व में भारत की रैंकिंग कितनी है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी। क्वेश्चन नंबर 99, स्वच्छ शक्ति सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कहाँ पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में किस देश में बिंडरवस स्कीम के तहत 450 भारतीयों को वहां की नागरिकता प्रदान की गई? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 102, लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार के लिए किस राज्य ने बजट 2019-20 में कन्या सुमंगल योजना आरंभ करने की घोषणा की है?
और साथियों याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन 103, रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ ने। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किसने 7 फरवरी 2019 को थाईलैंड में आयोजित ईजीएटी कप में स्वर्ण पदक हासिल किया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, शोखेब मीराबाई चानू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्यक्रम के तहत पीएम जय मोबाइल ऐप 5 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस जगह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ स्थापना को मंजूरी दे दी? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जलपाईगुड़ी में। क्वेश्चन नंबर 107, फाइटिंग फिश को किस देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए हाथ मिलाया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा भारत को जानो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? किस मंत्रालय द्वारा भारत में जानो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? साथियों सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेश मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य होगा? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी मैसेडोनिया जो है ये अभी हाल ही में नाटो का 30वां सदस्य बनने वाला देश है, सभी साथी याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, काला घोड़ा महोत्सव किस जगह पर 2 फरवरी 2019 को आरंभ हुआ? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 112, अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत किसानों को कितने रुपए की वार्षिक आय सहायता देने की घोषणा की गई है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ 2019 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय रसायन आवर्त सारणी वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बुहारी किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन बुक को। अगला क्वेश्चन, ताहिर आइला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया के। अगला क्वेश्चन, हिप्पोकैम्प जिसे हाल ही में खोजा गया किस ग्रह का चंद्रमा है? साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। याद रखना, हिप्पोकैम्प नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है जिसे हाल ही में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 119, न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह किस राज्य का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड के। अगला क्वेश्चन, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने किस जगह पर एरो इंडिया 2019 का उद्घाटन किया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए एकल अखिल भारतीय आपात नंबर जारी किया, यह नंबर कौन सा है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 112। क्वेश्चन नंबर 123, किस शहर में नाले की सफाई करने के लिए बंदीकूट नामक रोबोट को तैनात किया गया? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई।
अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने किस देश के भूकंप की तीव्रता के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के नीचे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ की खोज किया है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलीबिया में। क्वेश्चन नंबर 125, 83वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, साइना नेहवाल। भारत की है ना साइना नेहवाल, इन्होंने 83वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन शिप चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब जीता है। सभी साथी याद रखना ऑप्शन नंबर ए साइना नेहवाल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 126, 83वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, 127, ईरानी ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ ने। क्वेश्चन नंबर 128, प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई गई तीन दो स्टेशनों के बीच अपनी सेवा आरंभ किया। साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली से वाराणसी। अगला क्वेश्चन, 129, किस राज्य सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का कर दिया है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, 130, प्रधानमंत्री ने किस जगह पर 9 मार्च 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2019 के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन, 132, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम क्या थी? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट और इनोवेट फॉर चेंज। आपको ये कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है, किस तिथि को, सभी साथी कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, 133, किस देश की मांदेच्छु हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भारत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है? और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। अगला क्वेश्चन, 134, बोल्ड क्यू आई टी जो हाल ही में खबरों में रही का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा पर डिजिटल निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर, जो लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार इनको मिला है। इंदौर को याद रखना, लगातार तीसरी बार इंदौर को ही यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क निर्देशक नियुक्त किया गया है? और साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार मोहंती जी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज कुंभ मेला 2019 कब आयोजित हुआ? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच। अगला क्वेश्चन, किस जगह पर आज़ादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल किला में। क्वेश्चन नंबर 140, किन दो देशों के बीच मार्च 2019 में संप्रीति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ? और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को एक नया जोन स्थापना की घोषणा की है, इस नए रेलवे जोन का क्या नाम है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण तटीय रेलवे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की थीम क्या है? साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। याद रखना 28 फरवरी को प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 143, केंद्र सरकार ने किस जगह पर दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
144 गणित का नोबेल कहे जाने वाला एबेल पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, करेन ओहलेनबर्ग को। याद रखना, करेन ओहलेनबर्ग को गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन 145 मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात निम्नलिखित में से किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद सावंत जी को। क्वेश्चन नंबर 146 किन दो देशों की सेनाओं के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन 147 निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जी को। अगला क्वेश्चन 148 किस राज्य में सिरसी सुपारी को GI टैग प्रदान किया गया है। और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन 17वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में आयोजित होंगे। साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 150 मोहम्मद सताये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन सी लाल स्वाता किस राज्य के प्रथम लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन फा आउट जो हाल ही में खबरों में रहा क्या है। और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर में दर्द के लिए उत्तरदायी जीन। अगला क्वेश्चन द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुराम राजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश में मलहम नामक विश्व की सबसे बड़ी नमक गुफा की खोज की गई है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। अगला क्वेश्चन विश्व जल दिवस 2019 की थीम क्या थी। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लीविंग नो वन बिहाइंड। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, सभी साथी याद रखना। अगला क्वेश्चन भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कंट्री बाय कंट्री स्वत विनियम रिपोर्ट के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 ट्यूरिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन भारत ने 27 मार्च 2019 को किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशन शक्ति। याद रखना मिशन शक्ति इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 किस देश ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ कंग कैमिस्लाव विद साफ्स एंड ग्रैंड स्टार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और ध्यान रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोएशिया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 160 निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर ताबिची। याद रखना ये केनिया के हैं। कहाँ के? केनिया के हैं, याद रखना सभी साथी। अगला क्वेश्चन 161 हाथियों के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए किस ट्रेन की सीटों पर हाथियों की सवारी नहीं करने का संदेश मुद्रित किया गया। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिमान एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 162 64वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिकल फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधाधुन। अगला क्वेश्चन किस देश ने आतंकवादी हमले में 50 लोगों की मौत के पश्चात मिलिट्री स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक एवं एसल्ट राइफल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन IIT मद्रास ने देश का पहला सौर चलित बिलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका डायना एल एक ने भारत के किस शहर के बारे में लिखा कि किसी पत्थर पर शायद ही कोई पत्थर बचा है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नौसेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, करमबीर सिंह जी को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। माफ करना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर नेपाल नहीं श्रीलंका आएगा। याद रखना सभी साथी, किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है, श्रीलंका को। ठीक है, नेपाल गलत आंसर है, श्रीलंका याद रखना सभी साथी, मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, हाल ही में भारत के आर्थिक मदद से तैयार सिद्धेश्वर एजुकेशन पब्लिक कैंपस का किस देश में उद्घाटन किया गया। और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 जिसमें भारत ने 368 पदक जीते कहां आयोजित हुआ। और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी। अगला क्वेश्चन 170, कजाखस्तान की राजधानी अस्थाना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नूर सुल्तान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व खुशहाली दिवस मनाया गया। साथियों याद रखना, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अब्देल कादेर बेनलसा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। और साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश यूट्यूब का सबसे बड़ा एवं सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला बाजार हो गया है। और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्थानों की रैंकिंग में सर्वोच्च रैंकिंग किस संस्थान को मिली है। और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में मीनारा नामक विश्व का सबसे ऊंचा ट्रॉपिकल पेड़ की खोज की गई है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया में। याद रखना, ये लगभग 328 फीट लंबा है, यानी 100 मीटर ये लंबा वृक्ष है, सभी साथी याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय कौन है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल पटेल जी, प्रफुल्ल पटेल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, सभी साथी याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राजनीतियों ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करने के लिए कोणायक नृत्य का प्रदर्शन किया। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, किस देश के 5 शहरों में आग लगने के पश्चात 4 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, किस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित जायेद मेडल से सम्मानित किया गया। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, किस देश ने विश्व का प्रथम राष्ट्रीय 5G नेटवर्क आरंभ किया है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालोगाम नामक मतदान केंद्र पर एकमात्र मतदाता ने 11 अप्रैल 2019 को मतदान किया, मालोगाम किस राज्य में स्थित है। और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, मालोगांव नामक जगह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पे 11 अप्रैल 2019 को सिर्फ एक व्यक्ति ने मतदान किया। याद रखना सभी साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 182, किस देश ने रावण 1 नामक अपना पहला उपग्रह 18 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया। और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जगह तेल खाने वाली बैक्टीरिया की खोज की है।
और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मेरियाना गर्त। और ये मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में, याद रखना सभी साथी। अगला क्वेश्चन 184। 15 अप्रैल 2015 को निर्भय का सफल परीक्षण किया गया, माफ करना 15 अप्रैल 2018 को निर्भय का सफल परीक्षण किया गया, यह क्या है? साथियों ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला वन की 1000वीं रेस जीता? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी लेविस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 किसे घोषित किया गया है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 187, किन दो दोस्तों के बीच बोल्ड ग्रुप कुरुक्षेत्र 2019 नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और सिंगापुर के बीच। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर में आए चक्रवाती फनी का नाम किस देश ने दिया? साथियों अभी उड़ीसा के तटों से जो चक्रवाती तूफान आया था ना फनी, ये नाम किस देश ने दिया है? याद रखना बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश ने यह नाम दिया था फनी। अगला क्वेश्चन 189, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और साथ ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए केंटो मोमोता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। और साथियों इस श्रेणी में महिलाओं में किसे मिला है? याद रखना युगा चाई को, ठीक है, माफ करना युमा गुची को महिला श्रेणी में मिला है युमा गुची को। और पुरुषों की श्रेणी में किसने जीता है? केंटो मोमोता, दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, चक्रवात केनेथ से हाल ही में कौन सा देश प्रभावित हुआ? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मोजाम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या थी? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए रीच फॉर गोल्ड आईपी एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और साथियों याद रखना विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन 192, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019 के विजेता कौन सी टीम है? और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? और साथ ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी दिया मिर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला आयरलैंड विश्व का दूसरा देश बन गया है, ऐसा पहला देश कौन सा है? साथियों याद रखना ब्रिटेन पहला देश है और दूसरा देश कौन है? आयरलैंड, दोनों बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, सौरभ घोषाल तथा जोसरा चिनप्पा ने किस एशियाई प्रतिस्पर्धा का चैंपियनशिप जीता है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी स्क्वेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन आंखों वाली सांप मोंटी पाइथन की खोज कहां की गई है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम चेंजर निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? और साथियों याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी लेबा ने क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट नियुक्त होने वाले प्रथम गैर ब्रिटिश खिलाड़ी कौन है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कुमार संगकारा, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, जापान के नए सम्राट कौन बने हैं? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी नारोहितो। अगला क्वेश्चन, किसने 23 बार माउंट एवरेस्ट की को फतह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? और साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी कामी रीता शेरपा, याद रखना ये 49 वर्ष की हैं। और साथियों देखिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों को नवंबर 2018 से मई 2019 तक जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं सारा सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया। और साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो मिलेगा आपको 150 करंट अफेयर्स का,
जिसमें जनवरी 2019 से अभी मई 2019 तक का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा। साथियों, कैसा वीडियो लगा, कैसे क्वेश्चन थे, ये कमेंट करके बता देना। सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। जो भी चैनल में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बताइए IPL 12 के विजेता टीम कौन है, इसका क्या आंसर आएगा साथियों, आप लोग सभी कमेंट कर दीजिए। चले साथियों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।